इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है कि सलमान खान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं और उनकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आसानी से 100 करोड़ की कमाई कर लेती हैं। उनके चाहने वाले हर उम्र और धर्म के हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे शक्तिशाली सेलिब्रिटीज़ में से एक हैं सलमान, पर यह एक कड़वी सच्चाई है कि सलमान ने जितने लोगों का करियर बनाया है उनसे कई गुना ज़्यादा लोगों का करियर तबाह भी किया है। सभी दे रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन सेलेब्स के बारे में जिनका करियर सलमान की वजह से बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। उस साइड में बेल का आइकन होगा, उस पर भी क्लिक कर लें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। ऐश्वर्या राय। सलमान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी के किस्से बॉलीवुड के हर शख्स की जुबान पर चढ़े हुए हैं। सलमान वैसे तो बॉलीवुड के दबंग खान हैं, लेकिन प्यार की आग में ऐसे तड़पते हैं कि देखते ही देखते उस वक्त हीरो से विलन बन गए थे। सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन दोनों के बीच ऐसी दरार आई कि अब दोनों एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। और सलमान ने ऐश्वर्या का करियर भी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। विवेक ओबरॉय। ये तो सभी को पता है कि सलमान खान ऐश्वर्या राय एक रिश्ते में थे, लेकिन इन दोनों का रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। सलमान के गुस्सैल स्वभाव और मारपीट जैसे रवैये के कारण ऐश्वर्या राय ने इनसे ब्रेकअप कर लिया। सलमान से नाता तोड़ने के बाद ऐश्वर्या अभिनेता विवेक ओबरॉय के करीब आ गई थी। फिर एक दिन रात को विवेक और सलमान दोनों में जमकर बहस हुई, वो भी फ़ोन पर। सलमान ने खूब गालियां बकी, ऐसा ऐसा विवेक ने इंटरव्यू में बताया था। विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सभी मामलों का खुलासा करते हुए सलमान को सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा कर दिया था। विवेक के करियर पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा और कई बार माफ़ी मांगने के बावजूद सलमान ने उन्हें आज तक माफ़ नहीं किया। रणबीर कपूर। सलमान और रणबीर के बीच एक दरार पैदा हो गई थी जब कैटरीना के साथ डेटिंग कर रहे थे रणबीर। दरअसल अर्पिता की शादी में सल्लू ने कैटरीना पर एक चुटकी भी ली, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने सलमान के साथ अपना उपनाम बदलने का मौका गंवा दिया और कपूर बनना पसंद किया। रणबीर और कैटरीना के रिश्ते के कारण सलमान और रणबीर में आज भी अनबन है। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह ने लोगों को तब चौंका दिया था जब उन्होंने फेसबुक पर अचानक एक माफ़ी पत्र पोस्ट किया था, जिनमें स्टार को उन्होंने माफ़ करने और सुल्तान में जग घूमिया के अपने गाने को बनाए रखने के लिए कहा था। सलमान ने अरिजीत की माफ़ी का जवाब भी नहीं दिया और अरिजीत ने बाद में अपना ये पोस्ट डिलीट कर दिया था। दोनों के बीच दुश्मनी अवार्ड शो के दौरान शुरू हुई थी, जो आज भी बरकरार है। रेणुका सहाणे। हम आपके हैं कौन सलमान खान ने अभिनेत्री रेणुका सहाणे के साथ काम किया था और उनकी देवर भाभी की केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी सराहा था। हालांकि जब सलमान को 18 साल अदालत में केस चलने के बाद काला हिरण केस से बरी कर दिया गया, तो ये रेणुका को अच्छा नहीं लगा। फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट डाली। कहा जा रहा था कि उनकी इस पोस्ट ने सलमान को बदनाम कर दिया था, जिस कारण इन दोनों में भी अनबन बनी हुई है। यश। KGF स्टार यश कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। KGF चैप्टर 1 की भारी सफलता के बाद वे साउथ इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक बन गए हैं। अब उनके फैंस के KGF चैप्टर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यश को एक एक्ट्रेस ने खूब खरी खोटी सुनाई थी और कहा था कि ऐसे लोग कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, उनका अहंकार उन्हें खा जाएगा। यश भी बॉलीवुड की फिल्मों में काम करना चाहते थे, पर बॉलीवुड का ऐसा माहौल देखकर उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में काम करने से मना कर दिया। बॉलीवुड में आने के बाद यश और सलमान में कड़ी टक्कर हो सकती थी और यश सलमान से पंगा लेना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे और यश नहीं चाहते थे कि सलमान खान उनका भी करियर खराब करें। यश ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में काम करना ही अपना सौभाग्य समझा। दोस्तों, पता नहीं आप सलमान खान के फ़ैन हैं या नहीं, पर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा इन सितारों का करियर बर्बाद करके सलमान खान ने सही किया या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।